राजस्व वसूली में पिछड़ रहे जयपुर के आयकर अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। जयपुर और जोधपुर मुख्य आयकर आयुक्त ही नहीं महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय कराधान का राजस्व कलेक्शन अब नकारात्मक स्तर से सुधर कर सकारात्मक हो चुका है। पूरे राजस्थान के आंकड़ों को लेकर स्थिति अब नकारात्मक ही रही है। देखिए खास रिपोर्ट। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राजस्थान को 25,895 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य पिछले सत्र के 23,577 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 15% ज्यादा है। वहीं बीते वित्तीय वर्ष में लक्ष्य में पिछड़ने वाले राजस्थान के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी काफी धीमी रही। 13 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान का आयकर राजस्व पिछले साल की समान समयावधि की तुलना में करीब 39.2% कम था। हालांकि 15 जून को आई अग्रिम कर की पहली किश्त से कुछ सुधार हुआ है। सीसीआईटी जयपुर का शुद्ध राजस्व कलेक्शन 18 जून को 1453 करोड़ 30 लाख रुपए था, जो पिछले साल की समान समयावधि में 1436 करोड़ 10 लाख रुपए के स्तर पर था, यानी 1.2% इसमें बढ़ोतरी हुई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर आयकर राजस्व कलेक्शन का आंकड़ा 1,67,196 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी पिछले साल के 1,62,985 करोड़ की तुलना में 2.6% अधिक है। सीसीआईटी आयकर मुंबई 18 जून 2019 तक 41,324 करोड़ 70 लाख रुपए, जून 2018 में 38,000 करोड़ 20 लाख रुपए, अंतर प्लस 6.7%। सीसीआईटी आयकर दिल्ली की अगर बात करें तो 18 जून 2019 तक 26,478 करोड़ 60 लाख रुपए, जून 2018 में 27,965 करोड़ 40 लाख रुपए, अंतर -5.3%। सीसीआईटी आयकर बेंगलुरु की बात करें तो 18 जून 2019 तक 16,851 करोड़ 40 लाख रुपए, जून 2018 में 21,445 करोड़ रुपए, अंतर -21.4%। और देश में कुल आयकर वसूली 18 जून 2019 तक 1,67,196 करोड़ 80 लाख रुपए, जून 2018 में 1,62,985 करोड़ रुपए, अंतर +2.6%। राजस्थान के आयकर वसूली आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय यानी PCCIT का कुल राजस्व कलेक्शन 1,453 करोड़ 30 लाख रुपए से टॉप पर रहा है, लेकिन पिछले साल की समयावधि की तुलना में 1.2% ही ज्यादा है। वहीं इस साल वसूले गए शुद्ध आयकर की बात करें तो महानिदेशक आयकर अंतर्राष्ट्रीय कराधान राज्य में पहले स्थान पर माना जा सकता है, जिसकी वृद्धि दर 93.50% के साथ टॉप पर है, जबकि जोधपुर मुख्य आयकर आयुक्तालय 10.6% की बढ़ोतरी के साथ राज्य में दूसरे स्थान पर है। आयकर अन्वेषण 66.7% की नकारात्मक ग्रोथ के साथ पहले स्थान पर और उदयपुर मुख्य आयकर आयुक्त 32.10% की कमी के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। उधर पूरे राजस्थान में आयकर वसूली का आंकड़ा 18 जून को 2,771 करोड़ 70 लाख रुपए है, जो पिछले साल की तुलना में 3,005 करोड़ 10 लाख रुपए यानी 7.8% कम है। वहीं प्रमुख मुख्य आयकर आयुक्तालयों और DGIT के राजस्व स्थिति पर गौर करें तो PRCCIT जयपुर 18 जून 2019 तक 1,453 करोड़ 30 लाख रुपए, जून 2018 में 1,436 करोड़ 10 लाख रुपए, अंतर +1.2%। CCIT उदयपुर की बात करें तो 18 जून 2019 तक 737 करोड़ 80 लाख रुपए, जून 2018 में 1,086 करोड़ 30 लाख रुपए, अंतर -32.10%। CCIT जोधपुर की बात करें तो 18 जून 2019 तक 500 करोड़ 70 लाख रुपए, जून 2018 में 452 करोड़ 60 लाख रुपए, अंतर रहा +10.6%। DGIT इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें तो 18 जून 2019 तक 71 करोड़ 20 लाख रुपए, जून 2018 में 36 करोड़ 80 लाख रुपए, अंतर +93.5%। DGIT इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 18 जून 2019 तक 16 करोड़ 10 लाख रुपए, जून 2018 में 48 करोड़ 30 लाख रुपए, अंतर रहा 66.70%। और राज्य में कुल आयकर वसूली 18 जून 2019 तक 2,771 करोड़ 70 लाख रुपए, जून 2018 में 3,005 करोड़ 10 लाख रुपए, अंतर रहा -7.80%। दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष में पिछड़ने वाले आयकर अधिकारियों ने इस वित्त की शुरुआत में ही आयकर राजस्व वसूली के लिए कमर कस ली और नतीजा है कि अप्रैल और मई माह में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक प्रतिशतता से पिछड़ने वाले राजस्थान की हालत में सुधार है। हालांकि अभी भी पूरे राजस्थान की हालत अच्छी नहीं है। विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।